Welcome on Knowledge Twist Find Bollywood or Big Boss Season 14 Update. You and Sushant in this relationship went to Europe together. आप दोनों साथ यूरोप चले गए थे. वहां ऐसे क्या हुआ कि सुशांत की तबीयत तब खराब होने लगी? कब से आपको पता चला? आप अप्रैल से उनके साथ थी, कब आपको पहले पता चला कि शायद सुशांत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? उनको डिप्रेशन, मेंटल, सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, पॉसिबली बाइपोलर जिसे कहते हैं, सुशांत को वो प्रॉब्लम है. कब आपको पता चला, उस यूरोप के ट्रिप पर? जी, यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि, और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल. और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली. He didn't even have to get a prescription. उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी. probably हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे. और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए. वहां 3 दिन हम लोग रूम, वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ. यू नो, ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर, कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे. लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले. उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे. वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे. उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले. और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा. लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन. उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि यू नो, यहाँ पे कुछ है. और मैंने बोला, बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड. आपको कोई, अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र